नमस्कार, विजय चौक में आपका स्वागत है। शोर बहुत है, चुनावी शोर है। चुनाव यूं तो गुजरात में है, लेकिन शोर यहां तक सुनाई दे रहा है। नेताओं की हर गाड़ी की दिशा अहमदाबाद गांधीनगर जाती दिख रही है। हर कोई नेता वहां जाना चाहता है, जो जाकर लौटा है उसके पास बहुत सारे किस्से हैं। सुना था कि चुनाव में अक्सर सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देना होता है, अपने काम का गुणगान करना होता है। विरोधी पार्टियां सरकार के कामकाज को लेकर बयान देती रहती हैं, आम आदमी के हाल पर चिंता जताई जाती है। लेकिन इस चुनाव में मुझे सिर्फ शोर सुनाई दे रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से बढ़कर राजनीतिक गालियों का शोर। इस चुनाव में नई नई राजनीतिक गालियों का इस कदर इस्तेमाल किया गया कि अगर उनसे किसी की पहचान करनी हो तो नामुमकिन ही समझिए। अब जब सब लोग चुनाव के बाद लौटेंगे तो मेरे बगल में खड़ी संसद की इमारत में हंगामा होगा। लेकिन बेहतर होता कि इस हंगामे को राजनेता दुष्यंत कुमार की तरह इस्तेमाल करते कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मैं हूं विजय त्रिवेदी। गुजरात में आधा चुनाव खत्म हो गया। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के इलाकों ने अपने मन की बात वोटिंग मशीन के रास्ते बंद कर दी। इस मन को समझना आसान काम नहीं है, इसलिए चुनावी मैदान में राजनेता तमाम तरह के राजनीतिक हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। और अगर किसी ने जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होने की बात की थी, उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वे इसमें सबसे पहले नंबर पर चुनाव रख लें, क्योंकि अब तक ही लगा है कि चुनाव में ही सब कुछ जायज है। पूरी चुनावी सियासत तू-तू मैं मैं पर हर नेता एक दूसरे की नई नई पहचान बताने में लग गए। फिर इस बार हिंदू बनने की होड़ भी बड़ी जोर से चली। सोमनाथ, द्वारिका से लेकर गुजरात को गुजरात का शायद ही कोई छोटा बड़ा मंदिर बचा हो जहां नेताजी नहीं गए, ऊपर वाले को याद ना किया हो, बस भूले तो सिर्फ आम आदमी को जिसे वोट देना था। अब यदि ऐसे ही यह आम आदमी वोट देते वक्त नेताजी को भूल गया तो मुश्किल हो जाएगी। 22 साल का बीजेपी का राज और कांग्रेस का संन्यास, लेकिन सब भूल गए चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने नहीं पूछा केम छो विकास। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रोफेसर इनायत ए जैदी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व डीन हैं। जैदी साहब वो ह्यूमैनिटीज और हिस्ट्री विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। कल्चर में उनका बड़ा खास इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट है। रेणुका शर्मा जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारक हैं। शाइना एनसी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। अमृता धवन कांग्रेस की नेता हमारे साथ दिल्ली में होंगी। और स्वामी विशालानंद जी जो दिव्य ज्योति संस्थान के प्रवक्ता हैं, राजस्थान कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट और अपने ज़माने में विश्वविद्यालय में धूम मचाने वाले नेता रघु शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर इंदिरा तिवारी हिंदू महासभा की महासचिव हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। गुजरात में चुनाव की बयार क्या बही, झोंके में जैसे विकास भी कहीं उड़ गया। विकास की राजनीति की जगह छींटाकशी और पर्सनल अटैक्स ने ले ली। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। एने कहो हमें मोदी ना टुकड़े टुकड़ा करी नाखीशू। मोदी तो वायरस से जेम न्यूमोनिया एक वायरस होय छे, एम नमोनिटिस वायरस से नमोनिटिस के मोदी नी तुलना तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम करता पण मने संकोच नहीं था। एक पछी एक न कल्पी शकाय सांप बिच्छू चाय वाला लव पुरुष नीच राजनीति करने वाला नीच गंदी नाली का कीड़ा पागल कुत्ता नपुंसक भस्मासुर बंदर औरंगजेब मेंटली रिटार्डेड अनपढ़ रावण यमराज
ये सारे उपाधियां भाइयों बहनों, गुजरात का विकास हुआ है नहीं हुआ है, विकास पागल हो गया है नहीं नहीं, सियासत पगला गई है। वार पलटवार की आंधी में विकास कहीं लापता हो गया। चुनाव का एजेंडा विकास से हटकर हिंदुत्व पर पहुंच गया। ब्राह्मण कौन है और कौन नहीं, जनेऊ कौन पहनता है कौन नहीं, कौन नीच है और कौन ऊंच है, ये सवाल विकास के मुद्दे पर भारी साबित हुए। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। मोदी जिस विकास की बात करते थे, राहुल जिस विकास को लेकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते थे, वो आखिर है तो कहाँ है, और अगर है भी तो किस हाल में है। आज विजय चौक में गुजरात चुनाव के बहाने उसी भूले बिसरे विकास पर बहस, क्योंकि विकास की तलाश बेहद जरूरी है। आज मोदी जी ने भाषण दिया, 60-70% समय उन्होंने अपनी बात की। मोदी जी अपने बारे में देश को बता रहे हैं, बाकी समय वो कभी अफगानिस्तान की करें, कभी चाइना की करें, कभी कुछ और करें। अरे भैया, गुजरात का चुनाव है, गुजरात के भविष्य की बात करिए। शाइनाज एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। शाइना, आप अभी मैं देख रहा था कि गुजरात के दौरे पर रही हैं, राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं और हम भी पूछ रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में गुजरात की बात क्यों नहीं। आपको कहीं मिला था विकास जिसको आप ढूंढने गए थे? देखिए, गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी, सब जगह प्रवास करने के बाद मैं जरूर बोल सकती हूँ कि जनता जो है वो इतनी खुश है, और जनता जानती है कि 22 साल में जो अपरंपार काम हुआ है हर एक क्षेत्र में, युवाओं की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेके नंबर वन। तो प्रधानमंत्री जी विकास की बात क्यों नहीं कर रहे शाइना? किसान की बात करें तो 3 लाख तक लोन्स मिलते हैं 0% इंटरेस्ट पे। मैं विकास की बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे अपने भाषण में विकास की बात? तो जो 8,000 कमा रही थी वो 16,000 कमा रही है। विकास वो जनता जानती है, जनता बहुत समझदार है, और जनता को पता है कि जो काम 22 साल में हुआ है अगले 5 साल में वही काम होने वाला है। यही तो आपके लिए, ये तो आपके लिए डर की बात होनी चाहिए शाइना, कि जनता बहुत समझदार है। हर एक इलेक्शन में होता है, देखिए जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार के लिए ही वोट मिलेगा, और जो वोट सोच समझ के करें तो उनकी निजी जिंदगी में परिवर्तन आएगा जी। बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम क्या मुआवजा दें, हम क्या फ्रीबी दें, हम क्या सॉप्स दें। हमारा सोचना है कि जब एक व्यक्ति शिक्षित है, अभी यूपी में यही किया है आपने, तब सही मायने अभी यूपी में यही किया था। आप गुजरात में देखिए 14 साल से नंबर वन है रोजगार को लेके। देखिए हर एक इलेक्शन रैली में 33,000 करोड़ अभी आपने माफ किए हैं, उसको नजरअंदाज करके हम सिर्फ बयानबाजी पे ही देखिए बयानबाजी जो हो, बयानबाजी नहीं, 33,000 करोड़ अभी यूपी में माफ किया आपने, लेकिन किस स्तर पे आप मुझे बताएं, जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप एक नीच आदमी बुलाएं तो क्या ये शोभा देती है प्रधानमंत्री के पद को, गौरव को, अस्मिता को? मैं मानती हूँ कि जो आज भारत इतने आगे कदम पे कदम मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ चल रहे हैं, तो इसका श्रेय जाता है तो मोदी जी को। शाइना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो बयान दिया उस पर राहुल गांधी ने बहुत इमीडिएट रिएक्शन किया और मेंबरशिप से भी, प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया, और बीजेपी के जिन नेताओं ने जो जो बयान दिया उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अमृता हमारे साथ जुड़ी है, अमृता धवन कांग्रेस की लीडर है। अमृता जी, आपको मुबारकबाद दूँ कि आपकी पार्टी की वोकैबुलरी इतनी बड़ी है कि अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुन रहे होंगे, क्या क्या व्यंजन, क्या क्या व्यंजनाएं, क्या क्या नाम, पर्यायवाची, क्या क्या आपने प्रधानमंत्री को दिया, इसके लिए तो मुबारकबाद बनती है कांग्रेस की। आपकी जो पूरी शैली है, पूरी डिक्शनरी है, पूरी डायरेक्टरी है, वो बहुत रिच है।
कितने तरीके से जानते हैं आपकी पार्टी प्रधानमंत्री को? देखिए, दुख की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं जब वहां पर उनको लगता है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। हमने जो हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा उन पे कार्रवाई की है और वो सबने देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने किसी भी तरीके के अपमानजनक टिप्पणी को अनुशासन की हीनता मानते हुए पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जी। अमृता, यदि चुनाव नहीं होते तो शायद मणिशंकर नहीं जाते, मणिशंकर तो बोलते रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता और जो प्रधानमंत्री ने आज नाम गिनाए वो सब कांग्रेस के नेताओं ने बोले हैं, उसमें से कितने लोगों को निकाला है आपने? देखिए, जो उन्होंने गिनवाया वो तो आपने सुन लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक दशक से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों पर किस तरीके के कटाक्ष करे हैं निजी रूप पे, एक स्तर से भी नीचे जाकर जो कटाक्ष उन्होंने की है वो हम में से किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बारगल कहा गया था, किस तरीके से राहुल गांधी जी को बारवाला कहा गया था, किस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी भाषा का उपयोग किया, गिरिराज जो इनके जो सांसद है वो किस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, इनके प्रवक्ता आए दिन हर मीडिया चैनल पे बैठते हैं और शाइना को चुटकुले करते हैं। तो देखिए, अगर मर्यादा में रहना है तो सभी पार्टी के लोगों को मर्यादा में रहना। हाँ, जब तक बीजेपी ना रहे तो आप भी मत रहिए। शाइना जवाब है आपके पास? सब चीजें सही बोल रही है अमृता। देखिए, हम कोई स्पर्धा में नहीं है कि किसने ज्यादा खराब बोला या कितने ज्यादा नीचे स्तर को डिबेट लेके गए या नहीं। हम यहाँ सक्रिय रूप से संगठन में जो काम करते आ रहे हैं वहाँ जनता जानती है कि जो वोट करना है भार आके वोट जवाब दे समझ के वोट करना है। एक तरफ एक पार्टी बातें करती है, मौत के सौदागर बुलाते हैं मोदी जी को पिछले इलेक्शन में, और वहां यहां बोलते हैं कि नीच आदमी, ये प्रधानमंत्री के पद को आप बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री और आप बार बार बोले कांग्रेस अध्यक्ष को, ठीक है, करोड़ भारतीय नागरिक के चाइना हम कोई नहीं सोनिया गांधी को, सोनिया गांधी जी को आप बार बार बोलेंगे, ठीक है, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बारगल बोल रहे हैं, औरंगजेब बोल रहे हैं, खिलजी बोल रहे हैं, बाबर पुत्र बोल रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति करना, परिवारवाद का बाबर को बारगल से क्या लेना है तो आप जाने, विश्लेषण करना आपका मुद्दा है। जो एक टिप्पणी होती है या जनता क्या चाहती है, वो चाहती है कि परफॉर्मेंस नहीं है तो पेरिश। और जिस व्यक्ति आते हैं प्रचार करते हैं अचानक से मंदिर जाते हैं फिर उनके ही नेता बोलते हैं कि 2019 आप इसको गलत तरीके से सुनवाई नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, शाइना मैं लौटता हूँ आपके पास जी, ठीक है, मतलब बराबर का मुकाबला है दोनों में गालियां देने को लेकर। प्रोफेसर जैदी साहब, आप हिस्ट्री और कल्चर जामिया में पढ़ाते रहे, यही पढ़ाते हैं आप लोगों को? देखिए, आपके यहीं पढ़ के निकल रहे हैं सब लोग? नहीं, हमारे यहाँ तो पढ़े हुए नहीं है, जामिया की कल्चर वाकई बहुत जो है, मतलब जो प्रोफेसर साहब हैं वही पढ़ा रहे हैं, वही तो हमारे नेता नहीं, बोल रहे हैं। ये कोई इनमें से कोई जामिया का पढ़ा हुआ नहीं है। जामिया की सभ्यता जो है, जामिया, JNU, DU, ये तमाम तो सब जगह के पढ़े हुए लोग हैं ना, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं जो है या फरमा रहे वहाँ इस तरह की किसी तरह से भी इस तरह की जुबान को और इस तरह की भाषा को अप्रिशिएट नहीं करते जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सवाल इस पर चर्चा ना हो करके चर्चा इस बात पे हो कि जो मुद्दे हैं जी, जो मुद्दों जो आपने शुरू में फरमाया, मुद्दों की बात मत कीजिए, मुद्दों से डर लगता है सर। हाँ, तो नहीं, मुद्दों पे किसको डर लगता है? मुद्दों से उनको डर लगता है, टीचर को अगर सवाल करते हैं तो उसे डर लगेगा अगर वो अच्छा टीचर नहीं है। अगर अच्छा लीडर है तो उसको मुद्दों से और सवाल से डर नहीं लगेगा, वो जनता के सामने जाए, जनता से पूछे और 3 साल 10 साल 20 साल जो भी आपने रूल किया है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो बताएं कि हमने आपसे ये वादे किए थे, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये पूरे किए हैं और ये पूरे नहीं किए हैं। जिस इस तरह का काम कुतर्क करना और बहलाना, और मैं समझता हूँ इस समय की बर्बादी है कि हम इस तरह की गालियों को और ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं,
बल्कि हमें सर पूरी रैलियों में यही चल रहा है। हाँ पूरी रैलियों में यही चल रहा है चुनाव प्रचार। हम सबसे पहले बीइंग ए टीचर मैं इसको कंडम करता हूँ, और इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उनको हमें सब मिल करके उसको कंडम करना चाहिए, और मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि हम देश को तरक्की पे ले जा रहे हैं या सामाजिक जो है अनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब तो निंदा कर रहे हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट लीडर भी रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले एमएलए रहे, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं रघु शर्मा, बहुत तेज तर्रार है। रघु जी आप भी निंदा करेंगे प्रधानमंत्री जी की, व्याख्याएं तो आपकी पार्टी ने बहुत तरह तरह से कर दी, प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं आप भी मानते हैं कि आपको इसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए? नहीं, शर्मिंदगी हमारे को तो होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तब उन्होंने क्या बोला, उनकी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला, उनके जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज लोग बैठे हैं उन्होंने क्या बोला, शर्मिंदगी उनके लिए भी है। और लोकतंत्र में कभी भी इस चीज को उचित नहीं माना जा सकता। आज जो प्रधानमंत्री हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने क्या क्या बोला, तो मैं तो इस बात पे आप उसका हिसाब कर रहे हैं क्या रघु, आप उसका हिसाब कर रहे हैं? गलतियां जितना जल्दी रुक जाए उतना ठीक है जी। आज नहीं, हम हिसाब नहीं कर रहे, गलत चीज गलत होती है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको गलती नजर नहीं आती, जब दूसरा करता है तो आपको गलती नजर आती है। ये जो फर्क है आपके बिहेवियर उस चीज में, उस फर्क को कौन दूर करेगा आप बताइए। आज चुनाव चल रहा है, 2002 में ये मैनिफेस्टो लाए, 2007 में ये मैनिफेस्टो लाए, 2012 में ये मैनिफेस्टो लाए, एक शब्द इनके नेताओं के मुंह से पूरे गुजरात का जो आधा चुनाव हो गया, एक शब्द उस मैनिफेस्टो को कितना इन्होंने पूरा किया है उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे। ये एक अफजल गुरु की बात कर रहे हैं अभी भी, ये अयोध्या के मंदिर के निर्माण की बात कर रही है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ के और चुनाव जीतना चाहते हैं, हर बार हर चुनाव को उसी दिशा में मोड़ने की बात करते हैं। ये जनता को जवाब देने में इच्छुक नहीं है आज सत्ता में बैठे, जवाब तो जनता देगी, आप जवाब दे ना दे, 22 साल से गुजरात में बैठे हैं, क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि जनता की अदालत में जब वोट लेने जा रहे हैं तो ये बताएं कि हमने आपकी बेबूदी के लिए क्या किया है? ठीक है, आपका सवाल ठीक है। रेणुका जी, आप आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारक भी हैं, महिलाओं में से हैं जो बहुत कम गिनी चुनी महिलाएं हैं जो विचारक के तौर पर आई हैं। मैंने सुना था आरएसएस के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संस्कृति, भारतीय संस्कृति सब पर जोर देती है। यही है भारतीय संस्कृति, आप ये सिखा कर भेज रहे हैं? प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी में तो नहीं सिखाया गया, ये सब आपके यहाँ से तो आई हैं आरएसएस से निकल कर, ट्रेनिंग हो रही है आरएसएस में? देखिए, आरएसएस कभी इस तरह की बातें नहीं कहता। कहां से सीख रहे हैं ये सब? ये आप सिखा नहीं रहे, प्रोफेसर साहब सिखा नहीं रहे, कहां से आ रहे, मैं हैरान हो गया इस बात पर। भाषा चाहे किसी की भी हो, गलत है तो गलत ही है, उसे किसी भी तरीके से आप परिभाषित नहीं कर सकते। प्रभु डंडा तो लगाइए, आप मास्टर जी चुप बैठे रहेंगे, एक मास्टर जी मेरे पास बगल में बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं और दोनों चुप हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता को जो समझ में, जनता बड़ा मास्टर है, बिल्कुल मास्टर है, और जनता अब जागरूक भी है, उन्हें सही की समझ है, और हर चुनाव में अगेन अगेन हमेशा पता चलता ही जा रहा है कि कौन कौन सही कार्य कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन जातिगत राजनीति नहीं कर रहा है, तो वो जनता को समझ में आ रहा है। कांग्रेस, आप ये तो बता दीजिए मुझे, छोटा सा ज्ञान दीजिए जी, कि आप ये जो सब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, क्या क्या नाम है, गिरिराज किशोर जी हैं, साक्षी महाराज हैं, प्राची हैं, साध्वी प्राची हैं, बहुत सारे नाम हैं, निरंजना जी हैं, दुनिया भर के नाम हैं, वो जो बोल रहे हैं आप उसको कंडेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जैसे प्रोफेसर साहब ने किया? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाषा आप कंडेम कर रही हैं, भाषा किसी की भी हो, किसी भी प्रकार की गलत भाषा हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब इसको मैं निंदा मानूं या ना मानूं संघ की, आप इस पे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी जो है वो नहीं सिखाती भाषा। हाँ जी, भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए जी। हमारे साथ दो दो धर्म गुरु एक साथ हैं, जो मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विशालानंद जी भी हैं और डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी भी हैं। स्वामी जी, आपसे पूछ रहा हूं कि इन चुनावों में, वैसे तो गुजरात जो है हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा 1991 से और अब तक, लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ कि इस बार थोड़ा मंदिरों पर ज़्यादा फोकस हुआ है,
मैं भी गुजरात में 95 से चुनाव प्रचार और सारे कार्यक्रम देखता रहा और उसके बाद भी आता जाता रहा। इतने मंदिर तो मैंने देखे नहीं, इस चुनाव में मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है मंदिरों को लेकर। तो ये धर्म जो है चुनाव का सबसे अहम हिस्सा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति, तो अब ये विनाशाय च दुष्कृतम् यहाँ पे खत्म होना चाहिए जी। देखिए ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, जहाँ पे चुनाव होना चाहिए था लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि लोग विकास देखें, जो एक्सपेक्टेशन है, जैसा अभी एक युवा नेता बोल रहे थे जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पे क्या काम हुआ जी। परंतु एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए जो आपके माध्यम से, विजय जी के माध्यम से, विजय चौक के माध्यम से समाज के सामने, पूरे देश के सामने आना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। परंतु आज हो ये रहा है कि हर व्यक्ति धर्म राजनीति को और राजनीति धर्म को अपनी बपौती बनाने की कोशिश कर रहा है जी। धर्म और राजनीति अगर साथ चलें तो एक बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है जी। अभी आपने हाल ही में देखा कुछ धार्मिक संस्थाएं, कुछ धार्मिक लोग जिन्होंने राजनीति को अपने कंट्रोल में करना चाहा, आज उनका क्या हाल हुआ जी। आज उनको आपने सलाखों के पीछे डाल दिया जी। उनका एक तरह से खत्म ही हो गए जी। इसी प्रकार से जब राजनीतिक लोग भी धर्म को अपनी बपौती बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ये जान लें धर्मो धारयति प्रजा, प्रजा समाज राष्ट्र धर्म को धारण करता है, राजनीति को धारण नहीं करता जी। रगों में खून में दौड़ती है, दौड़ता है धर्म, राजनीति नहीं दौड़ती। यदि राजनीति को, यदि धर्म को अपनी बपौती बनाने की कोशिश करेंगे तो जो लोग इसको अपनी बपौती बनाने की कोशिश करेंगे उनका भी वही हश्र होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने राजनीति को अपनी बपौती बनाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब डॉक्टर तिवारी, आप क्या सोचती हैं धर्म के बारे में? अब तो जो लोग आपके साथ शरण में थे वो भी अब सब मंदिरों तक जा रहे हैं। विजय जी मंदिर आपकी ताकत बहुत है, मैं ये समझ रहा हूँ कुल मिलाकर। विजय जी धन्यवाद आपको, और आपके विजय चौक के माध्यम से मैं देश की आवाम को एड्रेस करूँगी। मैं जेडी साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ, उनसे बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि जिस कदर इन 2014 से मर्यादाओं का जो सीमों लंघन हुआ है जी, वो न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होगा जी। और ऐसे लोग, ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगी कि रावण भी सीता को हरने काशाय वस्त्र में आए थे, साधु वेश में आए, साधु वेश में आए थे। तो साधु वेश धारण करने से कोई साधु मतलब नहीं हो जाता। आप कह रहे हैं कि रामचरित्र, राम का जब युग है, त्रेता युग जिसे आप मानते हैं, तब से आज तक हमें साधुओं से डरना ही चाहिए? नहीं नहीं, साधु वेशधारियों से, साधु वेश तो मेरा जैसा अज्ञानी आदमी तो वेश से ही साधु समझता है ना। देखिए साधु की तो कोई जाति नहीं होती, कोई पैमाना नहीं होता, साधु इन सब से अब तो जाति जाति के साधु बन गए मैडम। अब यही तो दुष्कर, यही तो बड़ा दुख का विषय है कि साधु की तो न जाति होती है, न धर्म होता है, न सीमा होती है, न बंधन होता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व करता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षक होता है। विषय यहाँ पर एक ये बड़ा दुर्भाग्य से ये देखा जा रहा है कि ऐसे ऐसे नेता, मैं अब नाम भी लूंगी, सुशील मोदी आपके नाम उसमें इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, जेसी जॉर्ज उनकी पत्नी है जी। तब तो वो धर्म से च्युत नहीं होते जी। और सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी भी रोक्साना पारसी है, उनकी लड़की सुहासिनी हैदर ने मुसलमान से शादी की। देखिए जब आप बोल रहे थे, आप बोल ठीक है, ये व्यक्तिगत नहीं है। मैं वो लिस्ट बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने नाम लिए, लेकिन मैंने उनका जिक्र नहीं किया कि कौन क्या बयान दे। ये पब्लिक फिगर के तौर पर शादी नहीं करते ना, ठीक है। नहीं नहीं देखिए, तब तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य ने शादी कराई थी। शादियां जो होती रही हैं वो राष्ट्र के भविष्य को देखते हुए और समाज के पूर्ण विकास को देखते हुए राजनीतिक शादियां करी जाती रही हैं, इतिहास इसका। तो आप गैर धर्म राजनीतियों के विरोधी, शादियों के विरोधी हैं? नहीं बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है, चलिए इस पर चर्चा आगे करेंगे। एक सवाल, मैं मुझे ब्रेक पर जाना है, हमारे प्रोड्यूसर साहब का आदेश हो रहा है, लेकिन एक सवाल जो विशालानंद जी ने उठाया मैं शाइना जी से पूछना चाहता हूँ कि विकास की बात जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और उन्होंने मुझ पर भी टिप्पणी कर दी कि हमने नहीं उठाया, हम लोग ग्राफिक्स पर और इस पर लगातार चर्चा करते रहे। एक छोटा सा चर्चा करता हूँ, मेरे पास है केरला वर्सेस गुजरात, दक्षिण भारत का बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ राज्य केरल और पश्चिम के किनारे पर बसा हुआ गुजरात, उसका जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें
शाइना जी आपको थोड़ा सा सुना दूं, उसमें लिखा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला नंबर 1, गुजरात नंबर 12। ये सरकारी रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, अपना कुछ नहीं बता रहा। लिटरेसी पर केरला नंबर 1, गुजरात नंबर 18। एवरेज लाइफ स्पैन केरला नंबर 1, गुजरात 9। फीमेल मेल सेक्स रेशियो केरल नंबर 1, गुजरात 25। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट 1, गुजरात 21। हेल्थ केयर 1, 20। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में केरला 3 पर है और उसमें भी गुजरात 9 पर है। बहुत सारा है, ज़्यादा मैं नहीं देना। और क्लीनलीनेस कर देता हूँ, एक है बीफ मीट भी एक्सपोर्ट करता है गुजरात, ये सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा। अब ये विकास है 22 साल बाद गुजरात का, तो फिर तो पूछना ही पड़ता ना, केम छो विकास। विजय जी, आप केरल और गुजरात को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, साइज ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन बहुत अंतर है। रही बात जो आप नहीं बता रहे हैं कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो पूरे देश में परिस्थिति है, वहां गुजरात नंबर 1 है 14 साल से एम्प्लॉयमेंट को लेके। वो तो पाटीदारों का आरक्षण आंदोलन बता रहा है कि कितना बेरोजगारी है। ड्रॉप आउट रेट 36.5% था प्राइमरी में, 5-5 लाख लोग हार्दिक 1.5% है प्राइमरी एजुकेशन को लेके। आप ये नहीं गिना रहे हैं कि एग्रीकल्चर को लेके जो सूखा था कच्छ जैसे एरियाज में, वहां जो विश्व के सबसे बेहतरीन डेट्स बनते हैं तो वहां से आते हैं। आप नहीं, जो मैं गिना रहा हूं मैम, ये लिस्ट बनी हुई है, जो मैं गिना रहा हूं, चलिए आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो गिना रहा हूं उसका जवाब है आपके पास। अपने अंदाज से ये पेश कर रहे हैं, नहीं अंदाज से नहीं, ये ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट है आपके पास, ये ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट है शाइना जी, पॉपुलेशन के लिए ये ह्यूमन इंडेक्स रिपोर्ट है शाइना, ना सिर्फ ये मेरे मन की बात नहीं है। जो एक सेकेंड विजय जी, लेकिन पूरा रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। आपने 11 पॉइंट पढ़ दिए, मैंने आपको 11 पॉइंट में आप करना है, वो आपने केरल जैसे छोटे प्रदेश जहाँ पॉपुलेशन भी सेम नहीं है, वहाँ आप पिक एंड चूज कर रहे हैं गुजरात के साथ। गुजरात देखिए पूरे प्रदेश, गुजरात 22 साल से आपके नेतृत्व में चल रहा है, तो मैंने सोचा सब जगह नंबर 1 ही होगा। 6 महीना तक सरकार राहत देती है, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ चाइना। मैं सोच रहा था कि 22 साल चाइना, ये लिस्ट मैंने इसलिए निकलवाई थी कि मुझे लगा 22 साल से आपकी बहुत मजबूत सरकार वहां चल रही है, तो आपने नंबर 1 बना ही दिया होगा गुजरात को, आपने नंबर 1 बना दिया होगा गुजरात को। तो मेरे को थोड़ा सा शर्मिंदगी हुई ये रिपोर्ट पढ़कर, इसलिए मैंने कहा, मुझे पता नहीं था पहले कि ऐसा होगा, तो मैं आपको बताता ही नहीं ये रिपोर्ट। मुझे आप पर भरोसा था कि आपकी लीडरशिप में ये नंबर 1 हो गया होगा गुजरात। देखिए आप, आपका काम है विश्लेषण करना, आपका काम है विश्लेषण करना, मेरा काम है आपको फैक्ट्स बताना। जो प्राइमरी एजुकेशन में 36.5% से आज 1.5% तक आया है, तो ये बड़ी बात है। जो 14 साल से एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 है पूरे देश में, तो ये बड़ी बात है। जो कृषि के क्षेत्र में हम नंबर 1 है विश्व में, बहुत सारे पदार्थ के लिए, मूंगफली हो, कापूस हो, मसाला हो, कैप्सिकम। लेकिन जो फैक्ट्स मैंने बताए उस पर एग्री तो कर रहे हैं ना आप। आप देख रहे हैं कि क्या फॉरेस्ट, क्या फार्मिंग हो रहा है चाइना, ये सब चीजें आपने हाईलाइट नहीं किया है, तो मेरा भी कपास को, कपास तो वहां पर आपके सामने पेश करूं। कपास और मूंगफली का प्रोडक्शन तो वहां हमेशा होता रहा है, पिछले 60 सालों से है ये क्षेत्र, हो या 4 सालों से थोड़ी हो गया, क्या मिल रहा है उस कपास का, रिटर्न क्या मिल रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है सबके सामने। बीज ही जा जाएगा, वो बीज ही नहीं पैदा होगा, देगी एक मैंडेट कि वो खुश है 22 साल के काम से या नकार रही है, इतिहास बनने जा रहा है। और 18 तारीख को हम बात करेंगे, आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए इस पर बात करेंगे। और हम चाहते हैं पाटीदार आंदोलन तो राजनीति पे आधारित है, उसकी बात ना ही करें तो अच्छा है। कोई व्यक्ति जो सारी बात ही राजनीति पे, चलो विरोध करे वो राजनीति पे आधारित है, जो आपका विरोध करे वो राजनीति का आंदोलन हो गया, और जो आपके समर्थन में आ जाए वो राष्ट्रवादी है। आंदोलन कहना बिल्कुल गलत है, आपके कहने से समाज में समाज को तो आप भटका रहे हैं, समाज को तो आप 2014 से जीएसटी पर भटकाया, नोटबंदी पर भटकाया, काला धन पर भटकाया, जीरो 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 बैलेंस पर भटकाया आपने, काला धन पर भटकाया। देखिए आप इस बात पे हम बहस करें, देखिए इसका तो कोई अंत नहीं है। चलिए सुनने वाले, मैं कभी सुनता हूँ, वो लोग
सुनना छोड़ देते हैं जी प्रोफेसर साहब, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आप जो फरमा रहे हैं विजय जी, मैं समझता हूँ कि हम एक एक मुद्दे को लेके एक एक आदमी बोले जी, वरना इस पर बात करेंगे, आराम से बात करते हैं, ठीक है। वो एक एक चीज को ये चर्चा हम जारी रखेंगे। ये जैसे इन्होंने कपास का कहा, आपने ये कपास की बात कही, नहीं हम नहीं आपने कपास की बात की, आपने एक एक करके आपने मैडम मैडम ये कब, चलिए समाज के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह से उत्तरदायित्व नहीं नहीं, नहीं नहीं आप भड़का, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं अपने तो वो समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए करता है, तो वो जनता को ऐसी खड़ा होता है और उसे हीरो बना के पेश किया जाता है, आप कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ये आपकी गलतफहमी है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे, वक्त ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा भी गर्म है और बहुत विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुरंत लौटते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नहीं की, जानते हो क्यों? क्योंकि अमित शाह के बेटे की कंपनी ने 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदल दिया। घूम घूम के अंत में सच्चाई ने नरेंद्र मोदी जी को घेर लिया है। घर घर से अपजल निकलेगा, भाइयों बोलो सो घेर घेर थी अब जलो पैदा करवाना छे भाई, आपने गुजरात में अब जलो ने पैदा करवा छे, आपने गुजरात में अब जलो ने लावा छे भाइयों बहनों, अरे गुजरात में मुसलमान पर कोई दी अभी भाषा नहीं बोलतो, आ कांग्रेस ना नेता वो बोली रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी को सुना, रघु शर्मा के पास हम जाना चाहते हैं जयपुर में। रघु, राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं करना चाहती, वैसे ये तो आपके लिए अच्छी बात है पार्टी के लिए, लेकिन मैं आपकी कसमसाहट परेशानी समझ रहा हूँ कि 22 राज्यों में इस समय कांग्रेस पार्टी संन्यास झेल रही है और गुजरात में फिर से आपको संन्यास झेलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो परेशान है क्या? आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई मजबूत लीडर आपको चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा? देखिए, नरेंद्र मोदी को 3.5 साल में देश की जनता ने देख लिया अच्छी तरह से जी। वो एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने जो जो बातें की है, देश की जनता से जो वायदे किए उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने गुमराह करके पूरे देश के अवाम को 2014 में वोट लिए और इसी तरह से दूसरे राज्यों में लगातार जो चुनाव हुए उनको जीता, आज रघु के बाद में, रघु ये 3.5 साल बहुत महत्वपूर्ण, आपने 3.5 साल इफेक्ट सारे, रघु आपने 3.5 साल का जिक्र किया, आपको याद होगा कि हमारी मुलाकात जयपुर में हुई थी जब चिंतन शिविर था, तो तब राहुल गांधी का एलिवेशन हुआ था उपाध्यक्ष, नहीं मैं एक बात सुन लीजिए, राहुल गांधी का एलिवेशन हुआ था उपाध्यक्ष का, वो 3.5 साल में आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने 22 चुनाव हारे, नरेंद्र मोदी जी ने 22 चुनाव जिताए, अब किसके साथ है जनता? नहीं, चुनाव लोकतंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव जीतना और हारना बड़ी चीज नहीं है। जितनी बातें भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब की थी, आज उनका फर्ज बनता है कि उन भ्रष्टाचार की तमाम चीजें जो उन्होंने बोली, आरोप लगाए कांग्रेस सरकार के मंत्रियों पर, आरोप लगाए सरकार पर, आरोप लगाए लाखों करोड़ के घोटाले की बातें की, आज फर्ज बनता है 3.5 साल में कुछ लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए था, जांच करवाते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। राहुल गांधी आज अगर बोल रहे हैं तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? आज भ्रष्टाचार का एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकले, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या वो ये कह सकते हैं दावे के साथ कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जो उन्होंने वादा किया था? नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपको कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो सकता है, आपको लग रहा है कि मोदी से जीत सकते हैं राहुल गांधी? मोदी अजय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है। चुनाव हारना और जीतना अलग चीज होता है,
आने वाले चंद साल आपको बता देंगे जी। तो जिस लेकिन चुनावी चुनावी तो बताते हैं, हमारा बैरोमीटर चुनाव है रघु। उन्होंने कब्जा है उसी तरह से जिनके हाथ जी रहे हैं आज भी जी। शाइना रघु कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार के जितने मामले थे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आपने उन पर कोई चर्चा नहीं की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए हमारा सकारात्मक कैंपेन रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन हम जानते हैं कि युवा वर्ग बहुत प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वहां जो टिप्पणी होती है उससे। लेकिन हकीकत ये है कि आज रोजगार हर साल पोलिंग बूथ पे वोटर के साथ संपर्क नहीं रखें तो फिर क्या होता है। आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पे ऑफलाइन कैंपेन सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के पास 11 करोड़ सदस्य, शाइना प्रधानमंत्री जी जो है मोदी विकास की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, अफजल की बात कर रहे हैं। संगठन के रूप से हम मंदिर मस्जिद देखिए, अफजल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अफजल की बात करने का वक्त है हो वो जिस अफजल कहाँ से आ गया इस चुनाव में। देखिए अफजल जो लोग अफजल को सपोर्ट कर रहे हैं और कहां कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे बताइए, नाम बताइए, उनकी निंदा कौन सपोर्ट कर रहा है, अफजल है कहां। स्टार कैंपेनर्स हैं थोड़े पार्टीज के लिए जो बाहर आके चर्चा करते हैं। देखिए अवसरवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, कोई ऐसे भी दल होते हैं जो 40 साल के बाद याद करते भटकते। हमारी जो निष्ठा है, भावना है और विचारधारा है वो हमेशा रहा है। वहाँ उनके नेतागण कहते हैं कि मंदिर को भी लेके निर्णय होना चाहिए तो 2019 के लोकसभा के बाद। ये सब चीज जनता सुन रही है, समझ रही है, जनता जानती है कि मोदी जी काम और मेहनत में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार को उन्होंने। अभी मैं 15 मिनट से सबको सुन रही हूँ, अब मेरा बोलने का समय है तो मुझे कृपया कम से कम 30-40 सेकंड जो बोलिए जी। अमृता बहुत देर से सबको सुन जी। देखिए पहली बार ये जो बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को बीच में ला रहे हैं, गुजरात के मुद्दे पे कोई भी इनमें से बात करने को तैयार नहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं में से। आप इनसे पूछिए किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, आप इनसे पूछिए कि 26वें पायदान पे शिक्षा के खर्च में गुजरात क्यों है, आप इनसे पूछिए कि 50 लाख मकान का वादा किया था 5 लाख तक नहीं ये लोग बना पाए, आप पूछिए कि युवा बेरोजगार क्यों है, आप साक्षरता की बात इनसे कीजिए। लेकिन ये जवाब आपको नहीं देंगे, ये जवाब आपको नहीं देंगे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पार्टी में डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आना चाहिए कि वो इसको एक बार फोकस करे। अमित मालिया बीजेपी के आईटी के हेड है, उनका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये लिखा है और गोडसे को महिमा मंडित करते हुए लिखा है कि अमित मालवीय जस्टिफाइंग गांधी मर्डर इज बीजेपी इज बिट्रेइंग इट्स संघ लेगेसी। मतलब वो गोडसे के मंदिर को बनाने की बात करते हैं, वो गांधी का अपमान करते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता ना कह के मोदी जी को ठीक है बात अमृता कहते एक हैं। इन बातों पे ये बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं जी। अमृता के मुद्दे हैं, घटिया राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं और ये सब गुजरात के मुद्दे हैं। अमृता आज पीडीपी अमृता है, अफजल गुरु गुजरात का मुद्दा है, अफसरवादी नहीं है अमृता। लेकिन मुझे ये बताइए अमृता, ये बताइए कि आप गुजरात की बात कर रही हैं, आपकी पार्टी ने तो गोधरा की बात नहीं की, गोधरा तो गुजरात में है, भूल गई क्या आपकी पार्टी। देखिए हमारी पार्टी द्वारिका कहाँ जा रहे हैं आप, सोमनाथ जाने दो शाइना को, आपको तो गोधरा जाना चाहिए था, वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक भी राहुल गांधी के 11 सवालों में से एक भी शाइना मुझे ये बताओ, शाइना ये बताइए राहुल गांधी को द्वारिका जाना चाहिए या गोधरा जाना चाहिए, कहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। नहीं शाइना नहीं, देखिए जहाँ जहाँ भी जाए सबको पता है कि ये आए हैं गेस्ट अपीयरेंस के लिए, ये इलेक्शन के बाद तो वो जाने वाले हैं विदेश। हम सब जानते हैं कि उनकी राजनीति क्या है और वो करते हैं अपना काम। अभी वही बात भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार। मुझे बताइए कि सारे इश्यूज पर चर्चा होती है, बहस हो रही है, लेकिन जो बात हो रही है अमृता भी कर रही है कि गुजरात की बात नहीं हो रही, शाइना गुजरात की बात कर रही है, आपको लग रहा है हर चुनाव का हालत यही है। मैंने अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव देखे तो वहां भी कुल मिलाकर वही हो गया, उत्तराखंड में भी वही हुआ, बिहार में भी हुआ। कोशिश होती है कि शुरू करते हैं हम विकास से और पहुंच जाते हैं अपने मुद्दे पर, ध्रुवीकरण पर, पोलराइजेशन पर।
नहीं, वो असली आप सही फरमा रहे हैं, ये इसलिए होता है कि जब उस जो सही मुद्दा है विकास का, जब वहाँ हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम दूसरे मुद्दों को ले आते हैं, धर्म को ले आएंगे, जाति को ले आएंगे। देखिए एक बात साफ है, सामाजिक शांति जब तक नहीं होगी, सम्राट अशोक से देख लीजिए, जब सामाजिक शांति रही जी। और पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव रहा तो हिंदुस्तान ने तरक्की की। अकबर आया, सुलह को लेकर के आया, तरक्की की, जहाँ औरंगजेब जैसे लोगों ने वही धर्म को लेकर के जब बातें करनी शुरू की तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। कंपेयर कर रहे हैं तो, किसी को मौजूदा राजनीति में, किसमें मौजूदा राजनीति में कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कंपेयर कर रहा हूँ। पिछले माफ कीजिएगा 3.5 साल में जी। ये सब लोग बैठे हुए हैं, मैं तीनों लोगों से और जो हमारी वो दूसरी साथी हैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ, लिंचिंग हुआ जबरदस्त, इनोसेंट हिंदुस्तान का नाम। लेट मी स्पीक, डोंट वही पॉलिटिशियन की तरह मत कहिए। आप बोलिए, लिंचिंग हुई, मैं आपको हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूँ कि अकबर को जब पता लगा, थानेश्वर का बहुत बड़ा ऑफिसर हाजी इब्राहिम, उसने गाय का वध किया, जैसे ही शिकायत मिली उसको बैनिश किया, उसको पनिश किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी है, मोदी जी है, इतनी लंबी चौड़ी बातें जाके वहाँ पर कर रहे हैं, क्या उन्होंने कंडम किया इन तमाम लिंचिंग को? आप जवाब दीजिए। जब आप सामाजिक शांति राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, इंदिरा जी की मैं बात नहीं करता। बात जहां तक आपने लिंचिंग की कही, लिंचिंग हुई यूपी इलेक्शन से पहले, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले अचानक चर्चेस पे अटैक होने लगते हैं, उससे पहले एक वो इशू आया था, एक और इसी तरह का इशू आया था। क्या ये चर्चेस पे अटैक होना, अवार्ड वापसी होना, लिंचिंग होना, आपको नहीं दिखता कि ये सिर्फ पॉलिटिकल है? और जहां तक प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं, इसी व्यक्ति ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं मेरे देश की मुसलमान बेटियों के एक हाथ में लैपटॉप हो और एक हाथ में कुरान हो। क्या ये बात, ये इस बात को हम भूल गए? दूसरी बात हम ये करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर हो रही है। आप गांव जाके देखिए, अभी मेरी जैदी साहब से गेस्ट रूम में बात हो रही थी, हमारे मेट्रोज को छोड़कर देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जो टेलीविजन में, मीडिया में, जो तमाम चैनल होती है, आंतरिक रूप से आप देखेंगे 80 रुपए किलो टमाटर है, टमाटर अरे इंद्राजी हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। आप अगर धार्मिक संस्था को रिप्रेजेंट कर रही है, आप मुझे ये बताइए धर्म पे बात कर रही है, राजनीति पे बात कर रही है? मैं यहाँ पे बिहार के इलेक्शन में आपने कहा कि गो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, यहाँ पर आप तीन दिन सवाल चाहते हैं, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप इसको नहीं मानते, आप जितना बोलना चाहते हैं बोलिए, स्वामी जी को बोलने नहीं दिया, आप भी बोलिए ना, आप स्वामी जी को बोलने दीजिए ना, फैक्ट पर बोलिए ना, फैक्ट पर तो बोलो आप, आपने फैक्ट सुने कहां पर, आपने फैक्ट सुने कहां पर जी, एक बार आपने फैक्ट सुने कहां पर जी, आप बात नहीं किसी को करने देंगे। आप जब बिहार में जाते हैं, बीच में आपने बोला या मैंने बोला, बीच में इंदिरा जी आपने बोला या मैंने बोला, आप मुझे ये बताइए, बीच में आपने बोला या मैंने बोला, आप मुझे बीच में बताइए आपने बोला या मैंने बोला। प्रधानमंत्री, कोई बात आपको सूट नहीं करती तो वो गलत हो गई, कोई बात आपको सूट नहीं करती वो गलत हो गई, प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे, कोई बात आपको सूट नहीं करती वो गलत हो गई, लेकिन कोई, अरे भाई पिछले 70 साल में क्या हुआ, आज तक आपको पिछले 70 साल में क्या हुआ, आपको नहीं नजर आ रहा इस देश में क्या हुआ? आपने इशू इंदिरा जी सिर्फ डेवलपमेंट पे है, ठीक है, आपने बोलने नहीं देना। विजय जी इंदिरा जी मछली बाजार बनाना, इंदिरा जी ऐसे इंदिरा जी मछली बाजार बनाना तो बहुत बढ़िया, इंदिरा जी परंतु ये डिस्कशन डॉक्टर साहब, भाई साहब, डॉक्टर साहब, अरे 250 किलो दाल आ गई है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल
उनकी भी बात करने दीजिए, आपने आपने बोलने देना नहीं, इन्होंने रिपीट करते रहना, ये करते रहे रिपीट, इंद्रा जी करते रहे। अच्छा एक मिनट शांति रखिए, आप जितना करना चाहते हैं करिए, नोबडी इज लिसनिंग टू यू। शाहिनाथ आप सिर्फ टेलीविजन का टाइम वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, एयर टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप इंद्रा जी कहना चाहते हैं, इंद्रा जी शांति रखिए जी, एक बार छोटी सी बात वो कह रहे हैं, इतनी बात उनको बोलने देती, इतना टाइम नहीं जाता मेरा, बस एक आपके लिए माफ कीजिएगा, जो आप ये गलत ना समझे, मैं लिंचिंग की बात इंसानियत के लिए कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम को लेके, हिंदू मुस्लिम की बात लेके नहीं कह रहा हूँ। जो बात कही वो लिंचिंग के जितना भी इशू है, लिंचिंग का जितना भी इशू है, इट इज ओनली पॉलिटिकल, और सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों, इलेक्शन के बाद एकदम बंद क्यों, कैसे हो गया? आपको क्या आम व्यक्ति को समझ नहीं आती? आम व्यक्ति बहुत जागरूक है आज की डेट में, आम व्यक्ति अब पागल नहीं रह गया, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग समाज से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था 350 शाखाओं के माध्यम से ग्रास रूट पे काम करती है, हम जाते हैं जानते हैं समाज में कहां पर हमारे हिंदू जुड़े थे, मुसलमान भी जुड़े हैं। भाई विजय जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जहां पर हमने बात की ध्रुवीकरण की, ध्रुवीकरण सिर्फ धार्मिक नहीं हुआ, यदि एक 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 पार्टी अगर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करती है तो दूसरी पार्टी तीन तीन युवाओं से जाकर जाति के नाम पे भी ध्रुवीकरण कर रही है, ये भी गलत है। धर्म और जाति का ध्रुवीकरण, समझ गया मैं, पोलराइजेशन हर तरह की गलत है स्वामी जी, नहीं होनी चाहिए समाज में जी, वो वहां पर बैठकर डॉक्टर साहब ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है, वो तो पॉलिटिक्स, वो तो वोट की बात है, ये भी तो पॉलिटिक्स हो रही है कि मैं जनहितवादी हिंदू हूं, ये भी तो बात हो रही है जनहितवादी हिंदू हूं, वो पार्टीदारों के पास में, ये भी तो बात हो रही है ना, ये भी तो बात हो रही है ना, अरे 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 मैं किसी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, इंदिरा जी आप स्वामी जी सर होंगी, आपके पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, मेरे पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, आपकी बात हो गई है, जेल में कानून के तहत आना, जेल में किसी को ऐसे उठा के फोन में डाल दिया, आपकी आपकी पॉलिटिकल माइंड थोड़ी उठा के डेल में डाल देंगे, इंदिरा जी ठीक है, इंदिरा जी बात हो गई आपकी, ठीक है आपकी बात हो गई है। रेणुका जी एक छोटी सी बात, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है रेणुका जी, ये लिंचिंग की बात प्रोफेसर साहब ने की और वो धर्म की बात कर रहे हैं, आप तो ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं, आपने तो बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा होगा, पढ़ा है बंच ऑफ थॉट्स में क्या कहा है मुसलमानों के लिए, नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, मैंने पढ़ा है देखिए आप आपने पढ़ा, आप बताइए, आप नहीं, आप बता सकते, आपको पूरे विश्लेषण है उस पर बंच ऑफ थॉट्स पर, तो आपकी तो शाखा वहां से निकल रही है, गंगोत्री वहां से बह रही है बंच ऑफ थॉट्स से। शाइना छोटी सी बात बस ठीक है, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि चर्च ने फतवा जारी किया है कि हिंदू माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन वोट मत डालिए, ठीक है स्वामी जी समझ में आ गया, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, रघु ठीक है, रघु आपसे बात कर रहे हैं, रघु छोटा सा बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, रघु क्या आपको लग रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण है वो जातीय ध्रुवीकरण से ज्यादा खतरनाक है? ये राहुल गांधी को तीन लड़के क्यों चाहिए, मुझे छोटा सा जवाब देना चाहिए, एक छोटा सा जवाब देना राघु, एक छोटा सा बात का जवाब दे दो कि यूपी में दो लड़के फेल हो गए, गुजरात के तीन लड़के पास होंगे या नहीं होंगे? मैडम अब उनको बोले मैडम ठीक है, गुजरात के तीन लड़के नहीं, गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, राहुल गांधी में दो लड़के फेल हो गए थे, आपके यही से नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होगी जी। चलिए शाइना, कोई फेल होने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी। अच्छा ठीक है, बहुत शुभकामनाएं जी जी, बोलिए। इनसे पहले भी इस तख्त पे जो तख्त नशीन थे उन्हें भी अपने खुदा होने का यही यकीन था, ये अनुभव से बोल रहे हैं आप ठीक है। शाइना एक छोटी सी बात मैं शास्त्रों से कहना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है विद्या विवाद आए धर्म, देखिए विजय जी तो इस देश में अब जो विद्या है वो विवाद के लिए और धन जो है मद के लिए यूज हो रहा है, जो राजनीति में बहुत गलत। शाइना जी शुभकामनाएं तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करने की स्थिति आपकी है सरकार बनाने के लिए? आप बहुत ईमानदारी से देखती हैं, ईमानदारी से बिल्कुल 100% है, पार्टी की तरफ से मत बोलिए, आपको अब बताऊं एक फेज खत्म हो गए, 89 वोट सीट पर वोट हो गए, बोल रही हूं जो 22 साल के बाद आपको लगता है कि मंजिल कठिन है, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि 27 साल हौसला बुलंद रहेगी, हम सिर्फ काम करते रहेंगे जनता के लिए जी, और जी, जो लोग नकारात्मक अमृता जी आखिरी बात आपसे, बिल्कुल शुक्रिया अमृता
बहुत छोटी सी। विजय जी, बीजेपी का बीजेपी की फोरकास्ट भी खराब है, बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड भी खराब है, और बीजेपी का जो 22 साल का कुशासन है उसका हिसाब गुजराती मांग रहे हैं। और जी, वो अमृता ठीक है, ये सब तो 18 तारीख को पता चल जाएगा, और 18 तारीख के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शाइना एनसी मिलेंगी, रघु शर्मा मिलेंगे या अमृता धवन मिलेंगी, इस सब को हम लेंगे, हम जरूर वहां पर रहेंगे। आप सब लोग हमारे साथ इस बहस में बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शाइना आपका बहुत शुक्रिया, अमृता, रघु शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तिवारी, रेणुका जी, स्वामी जी, विशालानंद जी और प्रोफेसर जैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्ञानवर्धन करने के लिए, मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुश रखिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं।